हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज है संडे का दिन और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने बोनस पिक। जी हाँ जी, संडे का दिन मैं डिस्कस करता हूँ बोनस पिक की। और बोनस पिक में मैंने आज जो शेयर चूज़ किया है वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, जिसका अगर आप चार्ट देखेंगे जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगा भी, तो समझिएगा इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप इसके प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रिक बस। जी हाँ जी, जो इंडिया की सबसे पहली जो इलेक्ट्रिक बस है, जो यात्रा के लिए जो बनाई गई है, वो इन्होंने ही बनाई है। जी हाँ जी, तो ये इसके कुछ वर्जन्स हैं, इसके जो आप बोल सकते हैं कि जो डिज़ाइंस हैं, जो सीरीज़ है, जो वो धीरे धीरे और धीरे धीरे काफ़ी सारी और सीरीज़ आने वाली हैं इसकी। तो ये सम ऑफ दी डिज़ाइंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। और पहले डिज़ाइन में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कितने बढ़िया डिज़ाइन इनके K7, K9, K11, इस तरह से काफ़ी सारे मॉडल्स आने वाले हैं। तो इस तरह से जो मॉडल्स की जड़ी है वो काफ़ी टाइम पहले से ही लग चुकी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट के अंदर ग्रोथ और कंपटीशन आता जाएगा, ये अपने जो वर्जन्स हैं, ये अपने जो मॉडल्स हैं, वो धीरे धीरे मार्केट के अंदर लॉन्च करते जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप इनके जो कारें हैं उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनदार कारें हैं, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, बहुत ही मार्केट के अंदर अपना दमखम रखती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स हो या विदेशों से, इसके साथ काफ़ी अच्छे टाई अप हो चुकी हैं। और आपने जो इसके चार्ट पर रैली देखी है, उसका रीज़न ही यही है कि जो इस समय इनकी जो बसेस बन रही है वो समझिएगा कि इतनी शानदार और जानदार बसें हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, कि सभी मार्केट के अंदर फेल कर दिए हैं। जी हाँ जी, तो इतनी बढ़िया मजबूती के साथ, इतनी बढ़िया डिज़ाइनदार के साथ, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ जो ये बसें लेकर आ रहे हैं, जिनके अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो इनकी बसें हैं वो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। और डेफिनेटली जब सेल बढ़ती है तो रिटर्न होगा ही होगा। तो इनमें से जो डिज़ाइन है, जो इस तरह से आप देख सकते हैं, K6 ये एक वर्जन है जो बेस्ट सुटेबल फॉर दी मेट्रो फीडर हैवी ट्रैफिक का। तो इस तरह से जो आपने देखा होगा जब मेट्रो चलती है, उसके अलावा इस तरह की जो बसें होती है, अब धीरे धीरे जो एयरपोर्ट है वहाँ पर आप देखेंगे जो CNG बसें लगी हुई हैं, अब धीरे धीरे वो एयरपोर्ट, क्योंकि उसमें ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता, ज़्यादा दूरी के लिए जाना नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। आप देखेंगे मार्केट के अंदर जैसे ही जो पेट्रोल डीजल के अगेंस्ट में फिर CNG बसें आई, और जैसे ही अब CNG और पेट्रोल और इन सब के रेंज बदले में अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसों का जो बोलबाला रहेगा वो इस तरह से मार्केट में आता ही रहेगा। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े टेंडर होते हैं, जब वो टेंडर निकलेंगे तो, और आगे आने वाले टाइम में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो एयरपोर्ट बन रहे हैं उन एयरपोर्ट के साथ जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी इस तरह की इलेक्ट्रिक बस की डिमांड रहेगी। जेवर का जो एयरपोर्ट आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए रहेगा, तो वहाँ पर भी इस तरह की बसों का जो सेवा है वो धीरे धीरे दी जानी स्टार्ट करेगी। इसके साथ साथ आप विदेशों में इसके ऑर्डर काफ़ी अच्छे देख सकते हैं। और इस तरह से एक आगे आने वाले टाइम में आपको इसका जो फ्यूचर है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, बहुत अच्छा नज़र आने वाला है। मैं आपको चार्ट के ऊपर ले सकता हूँ, ज़्यादा ना बात करती हूँ, क्योंकि चार्ट ही आपको बताएगा कि कितना इसने परफॉर्मेंस दिया आगे आने वाले टाइम में, कितना और दे सकता है। और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड का ये चार्ट है, जिसके अंदर आप एक साल का अगर चार्ट देखेंगे तो लगभग 587 यानी कि लगभग 600% तक के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। थोड़ी सी गिरावट के साथ, ये करेक्शन के साथ एक महीने के अंदर जो बंद हुआ है, जिसमें कोई मूवमेंट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप अच्छी तरीके से ये समझ सकते हैं कि इसने जो परफॉर्मेंस दिया, अगर 6 महीने की भी बात करें तो 275% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और अगर ओवरऑल एक साल की बात करें तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं 287% तक के रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है ये चार्ट के ऊपर। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, एक बूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, करेक्शन हल्का फुल्का है, लेकिन जो चार्ट के ऊपर जो पैटर्न दिखाई दे रहा है एकदम ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी एकदम डो लाइन नीचे की तरफ दिखाई नहीं दे रही है, एकदम ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो हमेशा ये चलता ही चलता जा रहा है। और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इस तरह के शेयर आपको आने वाले टाइम में मालामाल कर सकते हैं। जी हाँ जी, 900 का इसने 910 रुपये का हाई मारा है, वहाँ से करेक्ट होता हुआ इस समय लगभग 800 रुपये के प्राइस पर ये बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एक महीने के अंदर इसने कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई है, लेकिन आप अच्छी तरीके से यहाँ देख सकते हैं इसने 900 रुपये का हाई बनाने के बाद थोड़ा करेक्शन मोड में आया है। तो इस तरह से अगर ओवरऑल इसके मैक्स चार्ट को अगर मैं लगाता हूं तो आप अच्छी तरीके से यहां देख सकते हैं लगभग 2856% तक के ये रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। जी हां जी, एक टाइम पे यही कंपनी 4-5 रुपए की हुआ करती थी। जी हां जी, 4-5 रुपए का ये शेयर आज आपको
₹910 का हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न है, जी हाँ जी, उसका रीज़न है पेट्रोल डीजल के अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक कारों का बोलबाला। जी हाँ जी, तो आगे आने वाले टाइम में ये बोलबाला तो अभी पूरी तरीके से हुआ ही नहीं। अभी तो 10% इंक्रीमेंट जो मतलब मार्केट के अंदर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट रेवेन्यू, जो मार्केट शेयर जो अभी इलेक्ट्रिक कारों का है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब इसकी जो डिमांड है, यानी कि जो मोदी जी का प्लान है, वो जो कहें मोदी जी भी हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, पूरे देश के अंदर जो प्लान है वो आप देखेंगे तो 2025 और धीरे धीरे 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और आप इस समय भी कोई भी डाटा जब उठाएंगे तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल काफ़ी अच्छी परसेंटेज के साथ पिछले क्वार्टर्स को चेस करती हुई, डबल करती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ जी, अगर वो क्वार्टर बाई क्वार्टर बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो आप इस समय अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आपको ये शेयर कितना जानदार और दमदार दिखाई देगा आगे आने वाले टाइम में। जी हाँ जी, अभी भी इसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देने वाला है। उसका रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिक कार हैं, बसें हैं और भी इतने इसके जो मॉडल्स आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, वो बहुत ही दमदार होंगे। और रीज़न यही है कि जो धीरे धीरे मार्केट के अंदर सिनेरियो बन रहा है इस तरह की कारों का, इस तरह के वर्जन्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक आगे अग्रणी सबसे आगे चलता हुआ दिखाई देगा। और आप देखेंगे कमर्शियल व्हीकल हो तो उसमें ये अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा, ये बहुत ही दमदार शेयर। जी हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड की। आप अच्छी तरीके से इसके चार्ट को एक बार स्टडी कीजिए, इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए।